हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में लाइफ टाइम फ्री वीपीएन यूज कैसे कर सकते हैं बिना उस वीपीएन को खरीदे। जी आपने सही सुना, बिना उस वीपीएन को खरीदे। मेनली वीपीएन से आप ब्लॉक्ड वेबसाइट को भी बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यानी खोल सकते हैं उस वेबसाइट को। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, वरना आपको नहीं समझ में आएगा कि यह ट्रिक को यूज कैसे करना है अपने। तो गाइस, आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो कोने में आपको ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जो हाफ क्रोम का लोगो है, नीचे वेब स्टोर लिखा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है होला VPN और मारना है एंटर। एंटर करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन लाइन से इस तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा होला फ्री VPN ऐड टू क्रोम कर लेना। मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मैं पहले से ही ऐड कर रखा हूँ। आपको जैसे नीचे मैं दिखाता हूँ, ये वाला मत इंस्टॉल करेगा, ऐसा आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए, इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अनब्लॉक पे जैसे टिक करेंगे, आपका VPN कनेक्टिंग करके कनेक्ट हो जाएगा। मैं कॉपीराइट इशू के चलते कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ही में से कितने लोग कहेंगे कि मेरे में तो क्रोम ब्राउजर तो काम ही सही से नहीं करता। तो कोई बात नहीं, आपके लिए मेरे पास एक और ट्रिक है। ये ट्रिक आपके किसी भी पीसी में काम करेगी या लैपटॉप में जिसमें बहुत ही कम स्पेसिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, आपको सर्च बार में आना है नीचे की तरफ और सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट और उसके बाद एज। ये ब्राउजर आपको इनबिल्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। तो ये ओपन करता हूँ मैं, देखिए कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है, तो ये फीचर दिख रहा है, आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इसको अपडेट करना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं, मेरा अपडेट है। आपको कहाँ से ये जो वेबसाइट दिख रही है, यहाँ से अपडेट कर लेना है, तब ऐसा ही आपका भी ब्राउज़र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये थ्री डॉट्स दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐप्स के नीचे एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करना, ये लोड होगा। वो एक्सटेंशन आपको इसमें ना देखने को मिले, इसलिए आपको राइट साइड में नीचे की तरफ क्रोम वेब स्टोर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये खुलता है, खुलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है होला VPN और एंटर। तो ये गाइस कुछ समय लेगा लोड होने में, जब तक लोड होता है आप वेट कर लीजिएगा। तो ये इंटरनेट कहने, ये देखिए ये हो गया लोड। आपको जो सबसे पहले दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, यही मेन है। आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, लेकिन ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज के ही ब्राउज़र में ऐड होगा। अब ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये चेकिंग कर रहा है, उसके बाद ये डाउनलोड होने लगेगा, ये आपके एजी में ऐड होगा। अब यहाँ पे लोगो आपका आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो कुछ देर वेट हम करते हैं कि लोगो कब तक आता है, और कुछ ही देर में ये देखिए गाइस आ गया। अब इसे यूज कैसे करना, ये वेबसाइट ओपन हो रही, मैं बंद कर देता हूँ। इस लोगो पे क्लिक करना है, फिर आपको ये ऑप्शन दिखेगा अनब्लॉक का, इस पर टिक कर देना है। तो ये कनेक्टिंग करेगा और ये कनेक्ट हो गया। आप यहाँ से कोई भी कंट्री का सर्वर यानी IP एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं लैपटॉप और एंड्रॉयड स्मार्टफोन से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ, जो आपके बहुत ही काम आए।